नमस्कार आदाब, मैं हूं अफजाल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अफजाल व्लॉग वाले। दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2024। आज के दिन है वैलेंटाइन डे, जो कि इसको मनाने के लिए खासकर यंग बहुत आकर्षित रहते हैं और कई लोग तो एक एक साल से इंतजार करते हैं इस दिन का। बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा, थोड़ा सा कड़वा रहेगा लेकिन फैक्ट रहेगा। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, बोलते हैं किसी दिन हक दे तो किसी दिन किस दे तो किसी दिन मदर डे तो किसी दिन फादर डे, मतलब एक दिन होता है क्या? बात सही से सुनना, हंसी लगेगा गुस्सा लगेगा लेकिन वो अलग बात है, वो बात की बात है। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच लीजिए, पहले तो हम एक दूसरे टॉपिक से आते हैं, मतलब इसी से दूसरे टॉपिक जो डे की बात करते हैं, मदर डे फादर डे जो भी है। तो जो माँ आपको अपने पेट में 9 महीना रख के पालती है, उसके बाद में आपको जन्म देती है, फिर परवरिश करती है, तो उसके लिए सिर्फ एक दिन है क्या? साल में एक ही दिन है? क्या बात है यार, शर्म करो, शर्म करो। दोस्तों, हर एक दिन अपने फैमिली से, अपने माँ बाप से प्यार करो, ये प्यार करने का दिन है। अच्छी जिंदगी जियो। वैलेंटाइन डे की जो बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। मैं आपको कुछ डेटा इंडिया का बताता हूँ, जो कि ओयो रूम जो होता है नॉर्मली, जितना भी बुक होता है नॉर्मली ओयो रूम जो बुक होता है, उससे वैलेंटाइन डे के दिन 30 से 60% ज्यादा होता है, सोचिए। और लोग बहुत शौक से इसको मनाते हैं। आज के टाइम शहरों में जाके देख लीजिए, बड़े बड़े गार्डन में देख लीजिए, एक दूसरे से तब इंजॉय कर रहे हैं। ये एकदम गलत है, इस पर उनके फैमिली को ध्यान देना चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये जिंदगी है, जिंदगी को जियो लेकिन सही तरीके से जियो। अभी उम्र कम है आपको, सब चीज अच्छा लग रहा है, जब आप उस उम्र पे पहुंचोगे तो ये चीज आपको बहुत ही गलत लगेगा और इसका आप महसूस जरूर करोगे। लेकिन कहते हैं बिगड़ जाने से पहले ही आपको सही होना है। अगर मैं ये बात करूं कि लोग वैलेंटाइन डे के दिन क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं देना, ठीक है, किसी को अगर आपने गिफ्ट दिया तो ये सब यहाँ तक ठीक है, लेकिन उससे और आगे आप जाओगे तो वो ठीक नहीं है। कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ आप, 2022 इंडिया में जो इंडिया का डाटा है 2022 का, वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको आपके जानकारी में भी रहेगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि मुंबई में ही सबसे ज्यादा अय्याश लोग रहते हैं, अय्याशी होता है, लेकिन जो डाटा मेरे पास है उसको मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस सब से आपको क्या सीख मिल रहा है, क्या समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।